वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई पुलिस आपके द्वारा या पुलिस के द्वारा अगर आपके साथ बदतमीजी की जाती है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है पुलिस कांस्टेबल द्वारा या पुलिस द्वारा, तो आप उससे कैसे निपटे या उसकी शिकायत किससे करें, आपको इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर पुलिस द्वारा आपसे बदतमीजी की जाती है, आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या अधिकार है और क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आप इस वीडियो से जानेंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी हो या पुलिस कॉन्स्टेबल हो, आपके पास गलत तरीके से पेश होता है, गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार करता है, मान लो अगर ए ने बी के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज कराई, अगर कंप्लेन दर्ज कराने के बाद पुलिस का व्यवहार अगर ठीक नहीं रहता आपके प्रति, पुलिस आपसे गलत प्रकार से पेश होती है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, हर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं होता, हर पुलिस अधिकारी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं हो सकता, ये अपनी सोच है। अगर अपने दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये पुलिस वाले होते ही ऐसे, तो ये गलत है, क्योंकि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस वाले की भी ईमानदारी होती है, सारी चीजें होती है। क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला इस प्रकार की अगर गलत तरीके से पेश आता है या आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, उसकी शिकायत कर सकते हो। वो शिकायत कहाँ की जाती है ये आप इस वीडियो से जाने, क्योंकि इसको अंत तक जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक को आपको इसके बारे में पता नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारी व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि पुलिस थाने में जाने के बाद आपके प्रति पुलिस का रवैया अच्छा नहीं होना, ये दर्शाता है कि पुलिस वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात फिर बता देता हूँ, हर पुलिस वाले का व्यवहार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पुलिस वाला ईमानदार भी होता है, ऐसा नहीं कि हर पुलिस वाला ऐसा होता है। क्योंकि जिस प्रकार 100 व्यक्तियों में एक व्यक्ति ऐसा निकल सकता है, पुलिस को बदनाम कर सकता है, पुलिस का व्यवहार खराब करने पे तुला रहता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी की, आपके को परेशान किया, तो आप उस संबंधित थाने अधिकारी जिससे ऊपर वाला जो अधिकार है, जैसे SHO हो, उसे शिकायत कर सकते हैं। अगर वह आपकी शिकायत ना सुने, तो आप SP लेवल के अधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं उस कॉन्स्टेबल के बारे में। लेकिन दोस्तों अधिकतर कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, पुलिस वाला अगर करता है तो उसकी नौकरी जरूर जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो वह उससे अच्छे तरीके व्यवहार से ही पेश आएगा, बदतमीजी से नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा करता है तो आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, DG से मिल सकते हो। अगर ऐसा होता है, उनकी शिकायत फिर भी नहीं होती है, तो आप जो प्रार्थना पत्र आपने SP DG को जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी कॉपी लेके आप किसी वकील के माध्यम से कोर्ट में भी इस्तगासा पेश कर सकते हो 156(3) में। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस मान लो, 100% मान लो कि पुलिस वाले की नौकरी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हकीकत उस पुलिस वाले ने ऐसा किया है, तो उसे कोई माफ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पुलिस वाला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले आजकल रिश्वत में पकड़े जाते हैं, लेकिन हर पुलिस वाला नहीं होता। इस आप समझते हो, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। कभी भी अगर आप सच्चे हो, तो किसी पुलिस या कोई भी व्यक्ति हो, उसे ना डरे। अगर ऐसा पुलिस आप द्वारा आपके खिलाफ किया जाता है, तो आप SP जिला कलेक्टर आदि से शिकायत कर सकते हो। दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लगे, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।